नमस्कार दोस्तों, इस साल दो दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन। जानिए भाई को राखी बांधने की सही तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पांचाग के अनुसार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भारत में वैसे तो कई तरह के पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का अलग ही महत्व है। हर साल ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की उम्र भर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। इस साल भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन एक नहीं बल्कि दो दिन मनाया जा रहा है। जानिए इसका क्या कारण है और बहनें किस दिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। इस साल रक्षाबंधन पर भद्र का साया पड़ रहा है। सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस साल 30 अगस्त को पूर्णिमा वाले दिन भद्रा का साया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया हो तो भद्रा काल तक राखी नहीं बांधी जा सकती, उसके समापन के बाद ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 दो दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कब है रक्षाबंधन, 30 या 31 अगस्त 2023। पांचाग के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 से हो रही है। इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत से ही यानी सुबह 10:58 से भद्रा शुरू हो जा रही है और रात 9:01 तक है। ऐसे में 30 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दिन में नहीं है। इस दिन रात में 9 बजे के बाद राखी बांधने का मुहूर्त है। इसके अलावा 31 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है और इस समय में भद्रा नहीं है। ऐसे में 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक बहनें भाई को राखी बांध सकती है। इस प्रकार से इस साल रक्षाबंधन दो दिन 30 और 31 अगस्त को मनाया जा सकता है। आइए जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। 30 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त रात 9:01 से है। 31 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सूर्योदय काल से सुबह 7:05 तक है। आइए जानते हैं कि भद्रा के समय राखी क्यों नहीं बांधते। कहा जाता है सुपर्णखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांध दी थी, जिस वजह से रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। यह भी कहा जाता है कि भद्रा में राखी बांधने से भाई की उम्र कम हो जाती है।